हाँ जी साथियों, मैं आस करता तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे अते तुहाडी तैयारी बहुत वधी चल रही होगी। साथियों देखो, सवेर का समा जी, हुण आसमान दे विच नीले नीले बदल ने, थोड़ी बदलवाई भी हुई भी है। सारे पंछी देखो आपदे आलणे दे विच निकल चुके आ एंड चोगे दे लई जा चुके आ। सारे पंछी किसान खेतां दे विच पहुँच चुके आ एंड यूनीवर्स के होर भी जिन्ने क्रिएचर ने सारे बिजी ने इत्थे आपो अपने तरीके नाल अपने कम्मां करन दे विच। सो इत्थे देखो तुसीं भी ये चीज़ इंश्योर करनी हैगी आ कि अपनी डे की बिगनिंग बहुत वधिया होनी चाहिए है, बिकॉज जेकर डे की बिगनिंग बहुत वधिया होगी तो ये एक टोन सैट हो जाती है कि जेकर मैं सवेरे उठ के बहुत वधिया परफॉर्म किया तो मैं सारे दिन के बहुत वधिया परफॉर्म करूँगा। ठीक है, जेकर आप देखो पढ़ाई दीयां गल्लां पासे भी छड़ दईए तो जदों तुसी सवेरे उठते हो तो फस्ट ऑफ ऑल तुसी पहला काम की करना हैगा जी, वो परमात्मा का धन्यवाद करना कि उस परमात्मा ने आपां नूं एक सवेर देती अपने सुपनों नूं पूरा करने दे। बिकॉज बहुत सारे इत्थे इस तरह के भी जीव जंतु हैगे आ, मनुखी प्राणी हैगे आ जिन्हां नूं उस वाहिगुरु ने समा ही दिता, उन्हों सुत्या पै नहीं लै गया। सो इस करके फस्ट ऑफ ऑल तो उस परमात्मा का ही आपां धन्नवाद करना कि उस परमात्मा ने आपां नूं एक सवेर देती होर। ठीक है, दूजे नंबर देखो तुसी की करना हैगा जी, उठ के गिलास पानी दा पीन तो बाद मेडिटेशन जरूर करो, बिकॉज सारा दिन अपना देखो माइंड ऑक्यूपाई रहिंदा हैगा। आपां अपनी बॉडी दीयां जरूरतां दे लई देखो खाना खाने हैगे आ, लेकिन अपने माइंड नूं भी आपां नूं कुछ ना कुछ देना पैणा। सो इह चीज़ जरूर इंश्योर करिया करो कि मिनीमम 2 to 3 मिनट मेडिटेट जरूर करो। हौली हौली करोगे तो तुहानू हैबिट बन जानी है। पहला जो तुसी स्टार्ट करोगे ना तो थोड़े माइंड दे विच बड़े और टाइप के थॉट्स आया करेंगे जो तुसी मेडिटेट करोगे, लेकिन हौली हौली जिवें थोड़ी हैबिट बिल्ड होगी तुसी एक रिलीफ फील करोगे। जो तुसी मेडिटेट करोगे तुसी एक रिलीफ फील करोगे। जरूरी नहीं होंदा देखो भी जिहड़ी मेडिटेशन आ सवेर दे टाइम ही करनी है, थोनू दिन दे विच जदों भी टाइम मिलदा तुसी उदों भी मेडिटेशन कर सकते हो। सो ये चीज़ जरूर इंश्योर करो, खास करके जो भी मेरे साथी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उन्होंने लिए खास करके जरूरी है, बिकॉज उन्होंने माइंड शांत होना बहुत जरूरी है जेकर वह चीज़ों रीटेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो इस करके मेडिटेशन जरूर करनी हैगी है। तीजे नंबर देखो जिहड़ा इंपोर्टेंट काम आपां करना हैगा वह हुंदा हैगा जी, रोज़ सवेरे उठ के आपदे आप नूं आपदे गोल्स बारे रिमाइंड करवाउणा। ठीक है ना, बिकॉज देखो एक इंटरनल आपां मोटिवेशन मिलनी चाहिए आ जो आपां ड्राइव करे, एंड आपां ड्राइव कौन कर सकता जी, अपने गोल्स कर सकते हैं। ठीक है ना, सो डेली सवेरे उठ के जो तुसीं आपदे गोल्स बारे आपदे आप नूं रिमाइंड करवाओगे ना तो दिन के विचकार जदों भी तुसीं कितें ना कितें डीमोटिवेट फील करोगे तो ऑटोमैटिकली तुहाडे दिमाग विच वजूगा भी नहीं मेरा ये गोल आ, मैं ये काम करना है, मैं निराश नहीं होना है, मैं चलते रहना। ठीक है ना, बिकॉज ये अपनी देखो ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होंगी है कि ह्यूमन माइंड में जो कुछ आप दे चलोंगे, ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शन आप अपने ह्यूमन माइंड में दे चलोंगे ना, अपना ह्यूमन माइंड अपन उ वापस करेगा। सो इस करके जेकर आप चंगी गल् अपने ह्यूमन माइंड में याद करवावे, आपके गोल्स बारे रोज़ सवेरे उठ के याद करवावे, ठीक है, तो ये नाल की होगा आपां नूं एक पॉजिटिव एनर्जी अंदरों मिलेगी। आपां इंटरनली ड्रिवन होवांगे ना कि आपां एक्सटरनली ड्रिवन हो। ठीक है ना, आपां एक्सटरनल मोटिवेशन भालण दी फिर बहुत घट कोशिश करांगे। एक होर गल देखो जिहड़ी तुसीं इंश्योर करनी हैगी रोज़ सवेरे उठ के, वह होंगी हैगी है जी अपनी बॉडी दे लई थोड़ा मोटा वर्क करना। ठीक है ना, देखो फिजिकली फिट होना ही बहुत जरूरी होंदा, एग्जाम की प्रिपरेशन एक पासे आ, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन तुसी बैटर वे ना ताई कर सकते हो इफ यू आर फिजिकली फिट। ठीक है ना, सो इंश्योर कराया करो कि 15-20 मिनट का वर्कआउट भी तुसी रोज़ सवेरे उठ के जरूर करो। सो ब्रीफ दे विच मैं तुहानू फिर दस दिना जी, सवेरे उठ के फस्ट ऑफ ऑल तो परमात्मा धन्नवाद आपां जरूर करना हैगा, सैकेंडली मेडिटेशन जरूर करो सवेरे उठ के, थर्ड अपने गोल्स बारे आपदे आप नूं रिमाइंड करवाओ रोज़ सवेरे उठ के कि मैं की बनना चाहना, कितने तक मैं पहुँच चुके हैं और मैं कितना कु पैंडा होर तय करना, एंड फोर्थ तुसी अपने फिजिकल फिट रहन वास्ते एफर्ट्स रोज़ करने हैगे, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ सवेरे जरूर करनी हैगी है।
सो सारे मेरे वीरां ने ना गल्लां जरूर ध्यान रखना हैगा। थैंक यू।